विधानसभा में नियम 130 के तहत केवल सिंह पठानिया, अमलेंद्र राजन, अजय सोलंकी और चंद्रशेखर जी ने चर्चा लाई थी। और विडंबना देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो सभी विधायक है वो आज कोई मतलब नहीं था वॉकआउट करने का, आपने भी देखा, लेकिन वो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियां हो रही थी उस चर्चा में भाग लेने से के लिए लेना ही नहीं चाहते थे, वो भागना चाहते थे। और जब वो भागना चाहते थे तो उन्होंने एक बहाना पकड़ा कि स्पीकर साहब ने अवमानना की बात कही और उसके आधार पर उन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया। मैंने अंदर विधानसभा में पूरे जो प्रश्न थे उनका उत्तर दिया और कहा पेपर लीक होते थे, पेपर बेचे जाते थे, 22 आदमियों को अरेस्ट कर लिया गया है और जो और आदमी हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि जो भी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक करवाया जाता था, 50,000, 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख रुपए में पेपर बेचा जाता था और पूरा आंसर शीट भी मैंने आपको बताई कि आंसर शीट के पेपर भी उनको बता दिए जाते थे और उस आधार पर उनका चयन होता था। हमने ये कहा है कि जब तक नया कोई चयन आयोग नहीं बन जाता तब तक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हमारी पोस्टें भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नया चयन आयोग जब तक नहीं बन जाता तब तक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही सभी एग्जाम्स को लेगा। जिन युवाओं के अभी टेस्ट नहीं हुए हैं लेकिन उनके पेपर लीक हो गए हैं, अगर उनकी एज उस समय जब उन्होंने फॉर्म भरा था उस समय 45 साल से नीचे थी तो उनकी एज में भी हमने रिलैक्सेशन दे दिया है और जो एग्जाम अभी पब्लिक सर्विस कमीशन करवाएगा उसमें भी उनकी रिलैक्सेशन को माना जाएगा। जो नया चयन आयोग जो बनेगा उसके लिए दीपक सानंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया गया, 3 सदस्य, जो अपनी रिपोर्ट जल्दी ही सरकार को देगी और उसके बाद जो नया आयोग होगा वो हमीरपुर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं खोला जाएगा। उस दृष्टि से जो चयन कमेटी है हमारी वो पारदर्शिता कैसे बने, कैसे पेपर लीक ना हो, उस दृष्टि से काम करना उसने शुरू कर दिया और आने वाले समय में जल्दी ही नए आयोग का गठन करके हमीरपुर में उसका कार्यालय को स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक सभी जो एग्जाम होंगे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप, 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फैनाने, ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।